आप हेलो बोल रहे हैं, हमें भी बोल दो। सलाम वालेकुम। मैंने सलाम तुम्हें देखा, वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पहली बार, मतलब मैं इतना मोबाइल का मुरीद नहीं हूँ, इंस्टाग्राम हाँ, भी वो इतना पता लग ज्यादा गया था वक्त मुझे, क्योंकि मैं 5-7 मिनट से वेट कर रहा हूँ और मैंने कहा क्योंकि शायद आप किसी टाइम पर इसे फिगर मैंने आउट कर पता लेंगे। किया, लोगों से पूछा भाई ये बटन दबाना है तो युवराज सिंह का को रिक्वेस्ट भेजनी है, लाइव जाना है, तो मैंने पूरा पता किया। अब देखिए, मैंने फोन को भी ऑफ नहीं किया था, एरोप्लेन मोड पे लगाया नहीं था। मम्मी का फोन आ गया, मम्मी का भाई फोन आ गया, मैंने कट कर दिया साहब, जल्दी आपका कसम फोन से। कौन सा? आपका फोन कौन सा है? आईफोन है? मेरा फोन है आईफोन है। हाँ जी, हाँ जी। आईफोन में एक ऑप्शन होती है डू नॉट डिस्टर्ब। अच्छा, अगर आप वो ऑप्शन ऑन कर देंगे तो हाँ आपको लोगों के फोन नहीं आएंगे फिर। नहीं, अब तो मैंने ये एरोप्लेन मोड पे लगा दिया है युवराज भाई। एरोप्लेन मोड पे तो लगा दिया है, पर हाँ वाईफाई हाँ पे अगर कॉल आ गई फिर क्या करेंगे? हाँ फिर वो पॉज हो जाएगा, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर चलो कोई बात नहीं। ये सिलसिला चलता रहेगा और क्या। चलो वो देखेंगे, आएगा फोन तो आएगा भाई। क्या तो भाई साहब, आज क्या क्या मुद्दे पे आप बात क्या करना चल रहा है? चाहते हैं? पहले आप हाँ मुझे ये बताएं, आपका एसी हाँ ठीक चल रहा एसी देख लो, उसके नीचे टीवी भी है, और ये रूम मैंने बच्चों को भेज दिया बाहर। मैंने कहा भाई जाओ, थोड़ा सा सुबह से मैं आपके साथ हूँ, थोड़ा सा ब्रेक दो युवराज और सिंह को। अली हाँ, ये आपके सब फैन जो है, आप सवाल ले लो, आप एक आध दो आंसर करना चाहो तो आंसर भी कर सकते हो। पहले आप अपने सवाल जवाब करेंगे, उसके नहीं, बाद मेरा सवाल ये है कि देखिए, आप तो आजकल एस कमेंटेटर बन गए हैं, तो कमेंट्री, आपके मुझे इतना एक फील आई, मुंबई में जो आपके साथ था, अभी रोड सेफ्टी टूर्नामेंट खेल रहा था, एक जी फील आई कि वो एक टाइम आ रहा जहाँ युवराज सिंह भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करने वाले हैं, या एक्सपर्ट कमेंट काउच पे बैठेंगे जहाँ से थोड़े से क्रिकेट के बारे में आप जानकारी देंगे अपने फैंस को, ऐसा लगा मुझे। पर बहुत टाइम है, रिटायरमेंट हो गया आप तो, क्या जब जब मन चाहे तब ज्वाइन कर लो हमें। मतलब ऐसा है कि कमेंट्री बॉक्स में ना आप लोगों को झेल सकते हो, बट देयर सर्टन लोग जिनको मैं नहीं झेल सकता। तो इस करके इट रियली डिपेंड्स के जब वो टाइम आएगा तो हाँ, देखेंगे। आई थिंक मैं इसे मेजर इवेंट्स होते हैं आईसीसी के, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे इवेंट्स करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक के आई कैन डू कॉमेंट्री ऑल द टाइम। मेरे में उतना पेशेंस नहीं है, बिकॉज आई फील डिफिकल्ट के इतने साल खेलने के बाद बंदा फिर टीवी पे बैठ रहा है और फिर क्रिकेट की बात कर रहा है। करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लोगों को अपना फीडबैक देना चाहिए, बट वो ऑल द टाइम मेरे बस की नहीं है। जैसे मैं भी कमेंट्री करता हूँ तो बड़ा एक एक लिहाज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सब प्लेयर्स रहे हैं, तो थोड़ा हाँ क्रिटिसाइज करना भी होता है, तो एक सही मैनर में, कि क्योंकि हम भी खिलाड़ी रहे हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, बल्लेबाज आउट होता है, फिर वो नेट्स पर जाता है, फिर इम्प्रूव करता है, फिर कम बैक करता है, और इतने साल जैसे बहुत से प्लेयर्स हैं, आप भी रहे हो, आपके करियर में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, वो तो खेल का हिस्सा है, तो क्रिटिसाइज उतना करना चाहिए जितना आपको पता है कि आप भी खिलाड़ी रहे हो, उसका हद पार ना करें। ये आप शायद सही बात बोल नहीं, रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो क्रिकेटर, जो प्लेयर फील्ड पे रहता है उसी को पता है कि वो क्या प्रेशर झेल रहा है। और आई थिंक मुझे यंग लड़कों को क्रिटिसाइज करना नहीं अच्छा लगता, बिकॉज मैं उनकी जगह पे रह चुका हूँ और मुझे पता है कि लोग जब उल्टा सीधा बोलते हैं तो कैसा फील होता है। तो इस ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे मैं कॉमेंट्री नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम यंग लड़कों को बताना भी इतना इम्पोर्टेंट है जब वो गलती करे कि गलती ठीक कैसे करनी है। तो आई थिंक यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। पर कमेंट्री में यही, मैं मुझे जो मेरी लर्निंग है वो ये हुई थी कि थोड़ा सा जैसे मैं कोचिंग भी करता हूँ तो थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि आप थोड़ा प्लेयर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, उसके करियर के बारे में जानना चाहते हो, टेक्निक की बात हो गई, स्टैट्स की बात हो गई, तो मुझे वो चीज़ ना कोचिंग में भी फायदा हुआ, और आप जैसे आपने बोला कि आप प्लेयर्स को हेल्प कर सकते हो, तो वो चीज़ मुझे, मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ कि थोड़ा सा सीखने को भी मिलता है। कमेंट्री अगर आप करते हैं किसी अच्छे कमेंटेटर के साथ, या मैच लाइव चल रहा है तो लर्निंग भी होती है, तो जैसे आपने बोला कि
आप यंग प्लेयर्स को बताना भी चाहेंगे, तो वो कमेंट्री का भी एक कनेक्शन है कोचिंग का, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फायदा हो रहा है इस चीज का। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, लॉन्ग एज क्रिकेट की नॉलेज बढ़ रही है, आपको फायदा हो रहा है, जरूर करना चाहिए। बट आई एम श्योर हर बंदे की अपनी लाइकिंग होती है, मेरी लाइकिंग ज्यादा कोचिंग में है। आई फील के जब मैं छोटे बच्चों के साथ कोचिंग करूंगा तो आई थिंक आई विल एंजॉय दैट मोर देन कॉमेंट्री। सो आई डोंट थिंक कि कॉमेंट्री विल बी माई फुल टाइम जॉब, तो इस करके मुझे अभी क्योंकि मैं रिटायर हुए, मुझे सिर्फ अभी दिस इज ऑलमोस्ट 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 1 साल हाँ होएगा अभी, तो मैं थोड़ा नहीं, टाइम बहुत लेना टाइम, चाहता बहुत हूँ बहुत क्रिकेट वक्त है, से, बहुत टाइम है भी। क्योंकि 30 साल 25-30 साल क्रिकेट खेली है, उसके बाद थोड़ा 1-2 साल बंदा ब्रेक लेके फिर सोचूंगा क्या करना है और कैसे करना है, उसके बाद मे बी टेक दैट कॉल। बिल्कुल टाइम बहुत है। ये अभी रोड सेफ्टी में जब मैं आपसे मिला था अभी, तो जी पता नहीं आपकी बॉडी कैसी फील कर रही थी। मैं तो पहले मैच के बाद लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत फिटेस्ट हूँ और बेस्ट फील्डर हूँ ये वो, पर मैं असली बात बताऊं, इतने जब रिटायरमेंट के बाद बंदा दोबारा खेलना स्टार्ट करता है, तो वो जो पहला मैच था वानखेड़े पे जब मैं सुबह उठा तो चलने को नहीं हो रहा था भाई। सही बात तो बताऊं मैं आपको, ये आपकी नहीं बॉडी कैसी फील करी? आप तो वहां, तुम तो खेले भी थे वहां यार, अभी रिसेंटली खेल के आ रहे हो, अभी अबू धाबी में थैंक्स आपको ओपन वहां सानिया खेला है मिर्जा। जब, उसके बाद अपनी बॉडी के बारे बारे में बताओ क्या कैसा। मैं तो बहुत स्टिफ था खेलने के बाद वो मैच। स्टिफ तो मैं भी काफी था, लेकिन लकीली मैंने 1 महीना ट्रेनिंग किया था तो मैं थोड़ा सस्टेन कर गया, क्योंकि आपने तो 40-45 रन भी बना दिए, तो उसके बाद तो बॉडी स्टिफ होनी थी तुम बड़े सरप्राइज आपका हुए मुझे देख के कि यार ये कैप रन कैसे बना गया, फील्डिंग तो करता है ये छक्के मार गया एक शॉट। मैं नहीं जब आया वो मैं, छक्का मैंने जो लगाया आपने था छक्का मार दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कमाल कर दिया श्रीलंका आपने, के खिलाफ वो लेफ्ट सरप्राइज कर आर्म दिया, स्पिनर। हाँ जी, वो भी खड़े खड़े। खड़े खड़े तुम वापस आए, मैं देखा सचिन पाजी खड़े थे, जहीर खान था, तुमने कहा यार कैफ ये क्या शॉट थी, मुझे लगा ये तुम भौचक्के हो गए कि यार ये कैफ तो ये काम करता नहीं, छक्का हाँ कैसे मार गया ये। हाँ पर भाई साहब आपने छक्का तो मार दिया, पर आपने 40 बॉल में 40 रन ही बनाए, आपका भाई जो मेरे खेलने का तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। स्ट्राइक रेट काफी इंप्रूव हो गया। भाई सचिन आउट हो गए, सहवाग आउट हो गए, युवराज सिंह आउट हो गए, मेरा काम था पार्टनरशिप बिल्ड करना। नहीं बिल्कुल सही काम किया आपने, डबल बीच में चौका छक्का दे के तो आपने अभी गेम बना दिया। वो मैच जीत गए, मैच फंसा था वैसे, इरफान पठान ने अच्छी बैटिंग कर गए उस मैच में। इरफान पठान ने कमाल की बैटिंग की, आई थिंक बड़ा अच्छा पेस किया अपनी इनिंग्स, शुरू में आराम से खेले और बाद में ठीक ठाक लंबे छक्के मारे, मेरा बैट ले गए छीन के, और आई थिंक बैट का रीजन था जिन्होंने इतने लंबे छक्के मारे। अब बैट घर सुनेंगे तो ले गए होगे बहुत वो तो खेलने के बाद। बैट घर ले गया होगा, किटबैग में बंद कर दिया होगा ताला लगा के। नहीं तुमने उसको बैट दिया कि वो रखा ले गया वो हुआ है वो बैट, बैट ले गया। ले गया, मैं नेट पे बैटिंग करने आया था तो खींच लिया बैट मेरे से और ले गया, कहते ये बैट अच्छा है इससे अब मैं खेलूंगा, अब दोस्तों को कैसे मना करें। और भाई साहब कुछ बताइए यार 2002 के बारे में, 2002 के बारे में कुछ बताइए, नेटवर्क फाइनल के बारे में, आई थिंक सारे लोग सवाल तो वो मैं बहुत कर सुनना सकता हूँ, चाहते हैं। मैं एंकर हूँ यहाँ पर, सारे सवाल मैं कर रहा हूँ। हाँ तुम भी कुछ पूछो मैं बताता हूँ आपको। नहीं बट मैं ये कह रहा हूँ कि 2002 नेटवर्क फाइनल की पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताइए लोगों को, आप अगर बैटिंग करने आए, सचिन आउट हुआ था और आधा स्टेडियम खाली हो गया और इंग्लैंड ने सेलिब्रेशन ऐसे करना शुरू कर दिया जैसे कि वो मैच जीत गए, और आप बैटिंग करने आए और मुझे लगा कि सचिन आउट हो गया, लगता अब तो हम हार ही जाएंगे मैच, आपने पहली बार आके मुझे क्या बोली याद है आपको? मेरा तो देखिए तरीका खेलने का ये था कि भाई युवराज सिंह खड़े हैं तो मैच में जान है, मेरा रोल अच्छा था जो, मतलब हाँ इतनी जल्दी अरे आपको मार पे इतना विश्वास था? अरे मेरा स्ट्राइक रेट तो पुराना बॉल होता है, तुम्हारा होता है 120, 30, 140, तो रन रेट की चिंता होती नहीं है। मतलब अगर आप 6 बॉल खेलोगे तो 10 रन बना सकते हो, मैं 6 बॉल पे 6 बनाता था शुरू में, बाद में तो फिर जब आप सेट हो गए तो फिर शॉट लगा सकते हो।
आवाज अभी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ थोड़ा। सवाल लेते हैं, हमारे जो कुछ फैंस भी जुड़ गए हैं, अगर यू पाजी को हेलो बोल रहे हैं, और कोई सवाल सब हाय हेलो कर रहे हैं, कुछ सवाल अगर पूछे तो उसका जवाब दूं। पर ये कि युवराज सिंह को आवाज आ नहीं रही मेरी, तो वो कुछ उनके फोन में शायद प्रॉब्लम है। हाँ जी, आवाज आ आ गए, रही है आप? वापस आ गए। हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूँ सॉरी, आपका। मैंने मिस कर दिया आप क्या? मैंने मिस कर दिया नहीं, आप क्या बोल रहे मैं थे? ये कह रहा था कि जब युवराज सिंह और क्रीज पे हो, मेरा ये मानना था कि युवराज सिंह क्रीज पे है तो मेरा रोल जो दिया गया है वो ये था कि भाई आप साथ में खड़े रहो। आपको याद होगा जब लॉर्ड्स की जब हाइलाइट्स मैं देखता हूँ कभी कभी, तो वो उसमें सौरभ गांगुली लॉर्ड्स की बालकनी पे वो बोले थे कि बेटा कैप सिंगल लो, सिंगल सिंगल लो, ऐसे उंगली मुझे नहीं नहीं उसने नहीं बताया वो सैम को लेकर कि हाँ कैप कैप तो ये डिस्कशन अभी बाद में करेंगे। ये डिस्कशन भी मुझे यही करना था, होगा। ये दादा वाला। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको याद है आपने क्या बोला था जब आप आए थे बैटिंग करने? मैंने बोलाऊंगा कि जो खड़े रहना, पार्टनरशिप बिल्ड करना, जो हमेशा बोलता था नहीं, आपको। आप उस दिन नहीं क्या बोला मुझे अभी याद नहीं आ वो रहा, बात बताओ बोल आप ही बोला बताओ। तुम जब बैटिंग करने आए तो तुमने बोला कि मैंने तुम्हें ग्लव मारा, तुमने ग्लव मारा, तो मैंने बोला, तुमने बोला खेलेंगे, तो मैंने कहा हाँ खेलेंगे। बस एक शब्द था। उसके बाद ऑब्वियसली हमारी पार्टनरशिप हुई, हम अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा भागे। तो बीच में मैं थोड़ा चौका वौका मार रहा था, तो दादा ने जब चिल्लाया उधर से कि यूवी को एक दे एक, उसके बाद क्या हुआ बताओ अगली बॉल पर? एक दे एक तो वो शॉर्ट बॉल थी, मेरा तो एक पुल जो मारने का है उधर उस टाइम केला था, जहां बॉल शॉर्ट देखी मैं पुल मारता था, वो बैट में कनेक्ट हो गया, 6 रन चला गया। तो और आपने आगे क्या बोला मुझे फिर? मैंने बोला होगा यार वो सिंगल सिंगल बोल रहा है, खराब बॉल को शॉर्ट तो लगाऊंगा भाई। नहीं, आपने छक्का मार के आके मुझे मुक्का मारा क्लब पे, बोला हम भी खेलने आए हैं। तो दादा आई थिंक अच्छा उसके बाद चुप हो गया। दादा को समझ आ गई कि भाई ये खिलाड़ी भी छक्का मार सकता है। वो शॉट से थोड़ा सा वो उनको लगा कि हाँ भाई ये युवराज सिंह का साथ देगा। और उस शॉट से पहले मुझे याद है कि कोई ना कोई पानी लेने के लिए लेके तैयार था अंदर, मैसेज भेजने के लिए कि भाई कि कैफ को बोलो जाके अंदर कि सिंगल ले, युवराज सिंह को स्ट्राइक दे। जब वो हाँ, शॉट छक्का लग गया तो उसके ट्विटर बाद वो पे बंदा नहीं आया। तो दादा ने बोला कोई नहीं हिलेगा, जहां हो वही बैठे रहो, कोई अंदर आया ही नहीं। कोई सही मैसेज है, अंदर सही नहीं आया, तो कम से कम सही है। ये तो याद है मुझे कि वो दादा को लगता था कि यार ये हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस चाहिए। बच्चे नए हैं, अभी 20-22 साल के हैं, बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, फाइनल्स है लॉर्ड्स पे, तो जितना उनको हम एडवाइस कर दे उतना अच्छा है। तो बट जब काम बन रहा है, दोनों भाई खेल रहे हैं, तो ठीक है, मैसेज की जरूरत क्या पड़ती है। नहीं सही है, बिकॉज उसके बाद आपने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। आई थिंक मेरे हिसाब से आपके करियर का वो बेस्ट नॉक होगा, जितने भी वनडे, 142 वनडेज में आपने और भी क्रूशियल जगह पे रन बनाए। बट आई थिंक अंडर प्रेशर बड़ा टूर्नामेंट, आपने जिम्बाब्वे के साथ भी 100 बनाया 7 नंबर पे, जब इंडिया 40 पे 5 थे, वो भी बड़ी नॉक थी। बट आई थिंक प्रेशर के हिसाब से और ना ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास और बड़े स्केल पे, आई थिंक हैज टू बी योर बेस्ट नॉक ऑफ वनडे करियर का बेस्ट नॉक होना चाहिए वो। क्या कहते हो? क्योंकि यू ही मेरा ना वो मेरा 19वां ओडीआई था शायद, वो 18 या 19वां। मैं इतनी मैं इतना मैच्योर था नहीं, नया नया था, 21 साल की एज थी। कई बार तो शुरू में ऐसा हुआ कि सचिन सहवाग गांगुली के बाद मतलब बारी बारी आना तो होता तो 5 ओवर 6 ओवर बचे होते थे, तो कई बार ऐसा हुआ कि आप गए और जाके बड़े बड़े शॉट मारने आपने अपना विकेट गंवा दिया। कोई नंबर 6 और 7 पे, हम दोनों को पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्या ओवर्स मेरा कभी ये स्क्रीन रुक गई है? दोबारा इन्वाइट पर कर दे रहा आवाज मुझे। आवाज आ रही है।
भाई साहब आप ना आप कुछ मत करना, आपको 1 घंटा लग जाएगा वापस मुझे ऐड करने में। मैं इसलिए कहा था कि रिक्वेस्ट तुम भेजो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यही करना पड़ेगा। नहीं, अभी तो आगे सामने। तो हाँ, लॉर्ड्स की बात चल रही थी। हाँ तो मैं कहता हूँ कि जब मैं आउट हुआ, बहुत खराब शॉट मारी मैंने, शायद अगर मैं 50 वनडे और खेला होता वो शॉट ना मारता। जब मैं आउट हुआ, आपका क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पर? नहीं, मुझे लगा मैच गया, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि क्या मुझे बात उम्मीद नहीं कर थी रहे कि हो मैं इस भाई, तरह से लास्ट तक पारी ले जाऊंगा और वहां से मैच को निकाल के लाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ खेलने बहुत कंफर्ट फैक्टर रहता है। पर इतनी पास आ गए थे कि एक एक थोड़ा सा भरोसा आ गया था कि नहीं, इतनी पास पहुंच चुके हैं, युवराज सिंह हमारे बीच में पार्टनरशिप हो चुकी है, मैं भी सेट हो गया था, तो एक एक थोड़ा सा बिलीफ आ गया था कि मैं अगर लास्ट तक खेलूंगा तो शायद रिजल्ट हमारे साथ हो, इंडिया के साथ हो। पर आप आउट हुए तो पूरा दिल टूट गया था, मतलब मेरा भी, और जो जो वॉच कर रहे होंगे टीवी पे उनका भी दिल टूट गया होगा, क्योंकि 7-8 रन 9 रन की जो जब जब प्रति ओवर चाहिए होता है, तो वहां लोग मोहम्मद कैफ को नहीं, युवराज सिंह को देखना चाहते नहीं ऐसी बात नहीं, उस टाइम तो हम दोनों हैं। नए थे, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन मिला उस गेम सर। मुझे याद है जब सचिन आउट हुआ था तो इंग्लैंड का जो सेलिब्रेशन था वो हाँ बहुत ही रिलैक्स सेलिब्रेशन था कि यू नो अब तो मैच जीत गए हैं। और मुझे याद है कि रॉनी रानी ने मुझसे आके बैटिंग करते हुए बात की कि आई होप तुमने, ये हिंदी में बोलूंगा बिकॉज आई थिंक हिंदी में लोग समझ जाते हैं, मुझे रॉनी रानी ने बोला कि तुमने ये टूर एंजॉय किया होगा बहुत, तुम्हें अच्छा लगा ये टूर, अब वापस जाके भी अच्छा करना। तो मुझे अभी भी याद है कि उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो गया था कि ये मैच तो हम जीत ही गए। और मुझे याद है कि जब सिंगल रन भागने अच्छे शुरू किए और बैट्समैन को लगता है कि चौका मार के शायद कुछ ही आउट हो ही जाएगा, बट आई थिंक जब हम रन बहुत अच्छे भागने लगे तब एकदम से वो लोग काफी पैनिक किए, और फिर उन्होंने जब वापस आके दोबारा अटैक करना शुरू किया तब तक हम सेट हो गए। तो आई फेल्ट कि किसी भी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि ऑपोजिशन खत्म हो गई है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, इंडिया भी ऐसे कई बार मैच हार चुकी है और ये एक्सपीरियंस किया है, तो आई थिंक वो लेसन मैं काफी आगे तक अपने करियर में लेके गया हूँ कि किसी भी स्टेज पे आप रिलैक्स नहीं हो सकते। कि कुछ टाइम पे सचिन का विकेट अगर ले लिया आपने, तो लगता था कि यार अब तो मैच हमारे हाथ में आ गया। 324-325 का टारगेट उस जमाने में, मतलब, और बहुत ओवरसीज कम कंडीशन है और लॉर्ड्स पे खेलना तो बड़ा टारगेट था। बिल्कुल, वो नासिर हुसैन ने भी थोड़े बहुत, जब मैं आया था तो उनसे मेरी वार्तालाप हो रही थी बीच में, नासिर हुसैन ने बड़े टुकड़े दिए हमें और आपने भी वापस बड़े ठीक ठाक टुकड़े टुकड़े दिए दिए, उनको। बड़े टुकड़े दिए, और बाद में वो मेरे पास आए, मतलब जब मैच हार गए तो उन्होंने वेल प्लेड बोला और कहा कि हाँ, एक शानदार पारी थी। पर थोड़ा कभी कभी एक मोटिवेशन मिलता है बीच में, कोई आपको अगर बोले कि यार आप इस लायक नहीं हो कि यहाँ से आप मैच जिता पाओ। उनका पूरा जो जो टारगेट था मेरे ऊपर कि फेस टू फेस आप क्रिकेट खेलने नहीं आए, आप बस ड्राइविंग करने आए हो, टीम को बस यहाँ से वहां ले जाने आए हो, आप क्रिकेट आपके बस का नहीं है। तो हम लोग भी छोटे शहर से आए, इलाहाबाद मेहनत करके वहां तक पहुंचे थे, तो एक बार ये था कि यार अभी मुंह बंद रखो, अभी बैटिंग पे ध्यान दो, बॉल बैट वॉच से करो। जवाब देते हैं। एक बार जब नैया पार अगर हो गई तो फिर बाद में हम इनको जवाब देंगे। तो मैं दिल में था, बिल्कुल सही और जवाब दिल दिया आपने से, बल्ले के साथ। बिल्कुल दिल से कोई चीज मांगो तो, और शायद वो इतनी जो मेहनत हम लोग करके आए बचपन में, माँ बाप की दुआएं थी, जो दोस्तों का साथ था, वो एक पारी में मेरे ख्याल से वो काफी चीज कवर हो गई, क्योंकि मतलब मेरा जो कनेक्शन है वो लॉर्ड से ही लोग कनेक्ट करते हैं, वो पारी को लोग हमेशा याद करते हैं, जहां भी जाता हूँ नहीं लोग बिल्कुल युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, लॉर्ड्स की पारी। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम था, 2-8 विकेटें गिर गई, 2 विकेट बची थी, जहर खान स्ट्राइक पे थे, आशीष नेहरा पैट करके बैठे हुए थे, तो मतलब लास्ट ओवर तक भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो मैच काफी लोगों को याद है।
और हमारा करियर वहां से चेंज हुआ। एक बिलीफ आ गया लोगों में कि यार अगर सचिन आउट हो गए तो युवराज सिंह है, युवराज सिंह अगर आउट हो गए तो मोहम्मद कैफ भी है, तो एक सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर और आपने आके जब से आपने खेलना शुरू किया तो हमारी टीम में इतने कोई ब्रिलियंट फील्डर्स नहीं होते थे, सेफ फील्डर्स होते थे। तो आई थिंक आपने आके और मेरे साथ हम दोनों ने मिलके पॉइंट और कवर पे काफी मोमेंटम चेंज किया काफी चीजों का। हम क्योंकि मुझे याद है हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, आपको याद है अगर ग्राउंड पर हम पानी डालकर और स्लाइडें मारते होते थे, बिकॉज हमको डाइव मार के बॉल को पकड़ना होता था। अगर आपको याद हो हम ऐसे बैंगलोर, फील्डिंग बैंगलोर प्रैक्टिस याद है फील्डिंग करते थे। तो बैंगलोर आई में। थिंक वो चीज हमने इंडियन टीम में आके, आई थिंक हमने ऑलवेज बिलीव किया कि क्या ब्रिलियंट कैच या एक ब्रिलियंट रन आउट, या आप एंड ऑफ द डे अगर यू आर प्लस प्लस 10 ऑन द फील्ड एंड आई एम +7 or 8 ऑन द फील्ड, तो आप 15-20 रन फील्डिंग से भी रोक सकते हो। तो आई थिंक अब तो खैर इंडियन टीम में बहुत से अच्छे फील्डर्स हो गए, बट आई थिंक वो चीज आई वुड से कि हम दोनों ने उस चीज से काफी मोमेंटम चेंज किया हमने इंडियन फील्डिंग का। पर मेरा फील्डिंग का ये था यूवी कि थोड़ा एक अगर अपनी जगह बनानी है थोड़ा सा तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है लाइफ में। तो बिल्कुल बैट्समैन तो बहुत शानदार थे इंडियन टीम में, बहुत गेंदबाज भी थे, तो फील्डिंग ऐसा एरिया था जहाँ मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब मैं वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप की इंडियन टीम में कोई ऐसा फील्डर जो बहुत शानदार फील्डिंग कर रहा हो, कुछ थे पर ऐसे एथलेटिक जो होते ना फील्डर्स वो कमी थी। मेरे में था कि कुछ डिफरेंट बनना है, तो एक फील्डिंग मैंने फोकस किया कि यार ये एरिया ऐसा है जहाँ से आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और अगर आप फिट हैं तो उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। पर फील्डिंग भी ऐसे, एक बार मैं याद है कपिल पाजी ने बोला था कि ये जो फास्ट बॉलिंग है वो लेबर क्लास एक जॉब है, जहाँ बंदा भाग के आया बॉलिंग डालता रहा, बल्लेबाज नेट से बैटिंग कर रहा है, शॉटे मार रहा है और गेंदबाज भाग के बॉलिंग कर रहा है। फील्डिंग भी ऐसी है। मुझे एक वक्त लगा कि फील्डिंग भी ही लेबर क्लास में आती, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। आजकल मैं देखता हूँ कितने प्लेयर्स घंटों बैटिंग करते हैं और फील्डिंग करते हैं आधा घंटा या 40 मिनट। तो कबीर पाजी की मुझे याद बात ध्यान से याद है। पर आपको जैसे मैं आपसे पूछिए सवाल कि लेबर क्लास बॉलिंग है फास्ट बॉलर, फील्डिंग भी उसी तरह मैं उसको मानता हूँ, तो आपने फील्डिंग में कैसे इतना मतलब कि अलग बन के मैं दिखाऊं, या आपको नेचुरली फील्डिंग आती थी कि नहीं? मैं बस मेरे दिल में ऐसा था कि मेरे दिल में था कि मैं कुछ अलग एक डिफरेंट बन के दिखाऊं इंडियन टीम में, जो फील्डिंग के जरिए मैं जाना गया। आप में ऐसा कुछ था क्या फील्डिंग के लिए जो अलग बनना चाहते थे आप? मेरे में एंगेज एथलेटिसिज्म काफी था। लाइक मैं रिएक्ट जल्दी करता था, क्विक था अपने स्टार्ट्स में, लेकिन फील्डिंग का इतना आइडिया नहीं था, बिकॉज फील्डिंग का आइडिया कम होता है कैसे रिएक्ट करना, कैसे पकड़ना कैच या पीछे आगे भागना। तो मैं अपना फर्स्ट रणजी ट्रॉफी का जब मैच खेला था, आई थिंक मैं 15 या 16 साल का था, और मेरे से एक मिसफील्ड हो गई। मेरी थोड़ी बैक इंजरी चल रही थी और मेरे से एक मिसफील्ड हो गई, और नेक्स्ट डे आर्टिकल आ गया, मेरे बारे में बोला गया गेटवे ऑफ इंडिया युवराज सिंह। तो वो कहीं वो मेरे फादर ने पढ़ लिया, मेरे युवराज फादर सिंह ने पढ़ पूरा पेपर लिया। पढ़ते हैं, युवराज सिंह नहीं पूरा नहीं न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ते पढ़ा, हैं। मेरे फादर ने पढ़ लिया। वो उस टाइम तो पेपर ही अच्छा होता था, अच्छा मेरे फादर ने पढ़ लिया और उन्होंने देख लिया कि अब मैं देखता हूँ कि तू अब फिर मेरे को रोज के ना वो कम से कम 300-400 कैच और साथ में 100-125 फील्डिंग मेरी रेगुलर हो गई थी फिर। तो आई थिंक उससे काफी ऑब्वियसली बॉडी भी स्ट्रांग हुई, ट्रेनिंग के बारे में पता लगा। अंडर 19 के बाद जब हम साथ में खेले तो बॉडी काफी स्ट्रांग हुई थी। तो आई थिंक उसके बाद से दिमाग में यही रहता था कि यार बैटिंग ऑब्वियसली मेरी 6 नंबर, आपकी 7 नंबर, कई बार आप 6 नंबर मैं 7 नंबर, यही होता था कि यार पॉइंट पे मेरा यही होता था कि बॉल नहीं जाने देनी, और आपका कवर पे यही होता था कि बॉल नहीं जाने देनी, बस जो मर्जी हो जाए। तो आई थिंक फील्डिंग में हमारा मेजर फोकस रहता था कि यार
बॉल नहीं जाने देनी बस आज। नहीं, मैं सवाल इसलिए किया कि जो, क्योंकि देखो शौक तो आपके नवाबी थे पहले से। हाँ, आपने ट्विटर पे बोला आज। देखो मैं देसी हूं, हाँ मैं इलाहाबाद छोटे शहर से देसी देसी बंदा हूं। आप अच्छा। में नवाबी पहले थी, आपको पापा अगर घसीट के न ले जाते हैं फील्ड पे, आपके पापा अभी भी देगा कि बंदा चाहिए किडबैक, कोई आपको हेल्प कर दे। हम तो अपना किडबैक खुद ही साइकिल पीछे लगाते थे और साइकिल चला के 10-15 किलोमीटर मैच खेलने जाते थे और वहां से अच्छा वैसे ही वापस आना। अच्छा तो इसीलिए मैंने कहा फील्डिंग का शौक कैसे होगा, क्योंकि आपके जो बैटिंग तो बहुत सबको शौक होता है, सब चाहते हैं बैटिंग करना, पर हाँ फील्डिंग करने का शौक होने के मतलब कि या तो बंदा चाहता है कि मैं बिल्कुल अलग दिखना चाहता हूँ, या उसकी जो आपने बताया कि पापा ने बड़ी मरम्मत करी आपकी। बहुत ज्यादा आपकी भाई साहब। मरम्मत हुई फील्डिंग की वजह से, मेरी होती थी मेरी होती थी कभी खेल की वजह से नहीं। मैं गया, पापा ने कुछ सामान मंगाया, बेटे दुकान से लेके आ जाओ। वहां बंदा बैठा है, वो मेरा चेस पार्टनर है, चेस खेलता हूँ, साथ में खेलता था मैं उसके। तो वहां चेस की बाजी लग गई, और चेस की बाजी लग गई, उसके पास एक घोड़ा, मेरे पास एक घोड़ा, उसके पास एक हाथी, मेरे पास एक हाथी, बादशाह बादशाह। अब वो चाल चली जा रही, 2.5-3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला कि मैं क्या करने आया था, क्या लेने आया था। एक बंदा आता है, बोलता है भाई तुम, पापा ने तुमसे कुछ सामान मंगाया था। तब मुझे याद आया, अरे यार यहाँ तो मैं कुछ काम से आया था। वापस गया, पापा रोड पे बैठे हुए थे, बाहर इंतजार मेरा कर रहे थे। और उसके बाद जो धुनाई आपकी होती थी पहले, वही धुनाई मेरी भी हुई थी। तो वो मेरी तब याददाश्त है कि मैं खेल को वैसे मार नहीं खाया हूँ, कभी कुछ लापरवाही कर दी, कभी कुछ भूल गया। शतरंज में घोड़ा हाथी फंस गया, तो वहां एक बार पापा ने हर हाथ पैर हर लड़के की अलग इस्तेमाल कर कहानी लिया। होती है। आपकी आप कहानी, मेरी कहानी। आप इस टाइम पर जो कोरोना वायरस का टाइम है, इस टाइम पर आप क्या कर रहे हो और लोगों को क्या बताना चाहोगे आप? पहले ये बताओ, तुम जब अपने बर्थडे पे तुम थाईलैंड गए थे बैचलर पार्टी करने, जी, बैचलर पार्टी थाईलैंड पे अपने बर्थडे जरूर गया था। अपनी भाई बीवी से था, और जितने भी लड़के थे सबने अपनी बीवी से मैं, परमिशन मांगी कि अच्छा आज जब परमिशन मिली, क्योंकि मेरी बीवी उस टाइम शूट एक्टिंग कर रही थी अच्छा थिएटर में, तो लकीली मुझे परमिशन मिल गई, तो मैंने चांस कि पे डांस जाओ लिया और मैं निकल गया। बैचलर पार्टी करने जाओ, और कोई लेडीज अलाउड नहीं है, कोई नो बीवीज नो वाइफ कोई नहीं। हाँ सिर्फ पाजी गए थे, सचिन पाजी, हाँ, और आपके क्लोज मित्र मुंबई वाले भज्जी नहीं, थे, नेहरा थे, और गौरव कपूर भी थे। अच्छा बिकॉज अगर अगर मेरी बीवी नहीं जा रही तो फिर सबकी बीवी नहीं आती ना, फिर वो अनफेयर हो जाता है फिर। और जब हस्बैंड अपनी बीवी के साथ 8-8, 9-9 महीने बंद रहते हैं, तो एक आधी छुट्टी फिर अच्छा, मतलब मेरे को लगता है कि आपको भी छुट्टी पे आना था, आपको थोड़ी जेलसी फील हो रही है। अच्छा, अब समझ में आ रहा है मुझे ये मैं उस सवाल वक्त कहाँ से आ भाई, रहा हाँ गुस्सा आया मुझे, मैं उस वक्त मुंबई में था, मैं काम कर रहा वहां था। बोल देते मैंने हैं कहा आपको भी यार ले जाते थाईलैंड में, कोई वो अपना वीजा ऑन अराइवल है, ले जाते आपको साथ में। हाँ, तुम्हें पता ही था ना कि मैं उस वक्त उसी दिन लैंड किया था मुंबई, तुम्हें था कि मैं दिल्ली में हूँ। पर एक एक वक्त तो लगा कि यार हाँ मुझे भी थोड़ा सा निकलना चाहिए भाई, युवराज जी के साथ तो एक पार्टी हो, बैचलर पार्टी करे, थोड़ा मन तो हमेशा करता है। अब तो तो ठीक शादी है, के बाद तो कहाँ पार्टी होती है, तो शादी के पहले आप सीरियस बहुत थे क्रिकेट को लेके, तो मैंने आपको पर डिस्टर्ब नहीं किया। आपको रात को हाँ एक बारी 4 बजे उठाया भी था मैंने, आप वेस्ट इंडीज में, और आपने मुझे मना कर दिया, अगर आपको याद हो। कि मैं नहीं जाऊंगा पार्टी करने, नहीं, कोई और रीजन था, छोड़िए, अब लोगों के सामने हम वो बात नहीं कर सकते। तो संजय लेकिन तुम 2006 पहुंच गए सीधा, 2006 वो टूर याद मत दिला, वो टूर मेरा लाइफ का आखिरी टूर था। नहीं, 2006 उसके बाद तुम साउथ अफ्रीका भी तो गए थे। हाँ, दो मैच वहां ओडीआई खेला था, और तो दिनेश वो थोड़ी कार्तिक ना। ने बोला यस स्क्वायर लेग पे खेल के। मैं वैसे ही तेज तर्रार था, मैं कॉन्फिडेंट
कॉल दिनेश कार्तिक साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अब कॉल को आप? दिनेश रिस्पॉन्ड कार्तिक किया का रन और भागोगे दोनों तो एक एंड पे रन आउट पहुंचे आप ही हुए थे। लोगे, वो नहीं होएगा। भाई उसने ऐसे खेला, यस किया मैंने पूरा, मैं बैकअप तो करता था, स्टार्ट लेके आता था, आपको पता दिनेश कार्तिक ने एक बार पंजाब और नो बोल चेन्नई दिया। का, पंजाब और चेन्नई का फाइनल चल रहा था और हाथ फील्डर के हाथ में था बॉल और दिनेश कार्तिक दूसरे रन के लिए भाग गए यस बोलकर, और उन्होंने विकेट के सेंटर में से डाइव मार दी और वो रन आउट हो गए और वो विकेट तक पहुंचे ही नहीं। तो डाइव का शौक था दिनेश उसको भाई। कार्तिक के साथ एनीवेज अब तो वक्त गुजर गया है, बट आपको काफी कारनामे खेल में नेक्स्ट नहीं में भी। 2006 वो लास्ट था मेरा, वो मेरा वहां मेरी पहली सेंचुरी आई थी टेस्ट मैच की, और ओडीआई भी मेरे कुछ 50 बनाए थे मेरे, उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका गया। तो चलो एनीवे, वो तो थोड़ा अभी माहौल भी उस टाइम ऐसा था ना, थोड़ा थोड़ा मॉल था, चैपल साहब आ गए थे, ग्रेग चैपल, थोड़ा उन्होंने तो अच्छी थोड़ा कोचिंग कर दी माहौल सबके ठीक, साथ। माहौल वाज नॉट गुड एट दैट टाइम। तो एनीवे जितनी क्रिकेट खेले हैं भगवान ने, वी शुड थैंक, अल्लाह का शुक्र करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल, भगवान का शुक्र करना चाहिए। और क्योंकि अभी आई थिंक जहां भी आप मतलब एज अ प्लेयर आप जब यही चाहते हो, कहां अगर आप पार्थिव जाओ तो पटेल कुत्ते पार्थिव पटेल क्या बोल रहा है। पार्थिव में बस उंगली करने की आदत है, वो खड़ा हो जाता है, इधर से ट्रेन जाती है और उधर से वो अपील कर देता है। पार्थिव पटेल ने आज तक कभी सही कॉर्डबैंड पे अपील तो की नहीं, कभी पैड से लगा तो कॉर्डबैंड ले लिया, बीट हुआ बंदा तो कॉर्डबैंड ले लिया, तो अभी भी वही हरकतें कर रहा है उंगली। पार्थिव पटेल अभी भी खेल रहा, हम सबको रिटायरमेंट दिलवा दिया उसने, आप सब थैंक यू लो। और पार्थिव पटेल अभी भी भाईजान लगे हुए हैं और डोमेस्टिक में खेल वो अभी भी 17 साल का रहे है ना, वो वैसे ही लगता है, अभी भी लगता है किसी का बच्चा खेल रहा है। पहली बार पार्थिव पे 17 साल था तो ऐसे लग रहा था किसी प्लेयर का बेटा है, कीपिंग ग्लव लेके आया है कैचे पकड़ने। भाई साहब पार्थिव आपकी फेवरेट, आपकी फेवरेट फेवरेट मेमोरी क्या है प्लेइंग क्रिकेट? नहीं, मेरी देखिए जो जो प्लेयर्स के साथ मैं खेला, वो आप भी आपने मैंने कहीं आपका इंटरव्यू देखा था, आपने भी बात की थी कि जो हम हमारे जमाने के जो प्लेयर्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, चाहे वो जवाहर श्रीनाथ जी हो गए, मेरे ख्याल से उनको भी वो मेरे लिए बहुत एक बड़े प्लेयर थे। उसके बाद सचिन थे हमारे साथ, गांगुली थे, कुंबले, राहुल द्रविड़, उनसे हमने बहुत सीखा। राहुल द्रविड़ भी काफ़ी एक रोल मॉडल थे हमारे, सचिन तो थे ही। तो मेरे लिए उनके साथ खेलना और क्रिकेट को अफकोर्स वो ऊपर रखते थे, पर कैसे अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, बेहतर इंसान बनाना, मैंने हमेशा बिल्कुल उन सबको वॉच किया कि आज कोई भी फैन आ गया, बेचारे थके हुए आ रहे हैं ट्रेनिंग करने के बाद भी, किसी ने पूछा सर एक फोटो ले लें, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, उन लोगों ने कभी मना नहीं किया सीनियर प्लेयर्स ने। तो मेरा था कि यार ये इतने बड़े प्लेयर हैं और लोग उनको भगवान की तरह ट्रीट ट्रीट करते हैं भारत में, और हमारे भी रोल मॉडल है, हमने इनको देखा है टीवी पे, पर जो इनका बिहेवियर है वो मुझे बहुत मतलब इंसानियत सीखने को मिली है ऐसे प्लेयर्स साथ खेलने खेलने में। कुंबले हो गए और भी जितने प्लेयर्स थे, मैंने तो मेहनत करना सीखी इनके साथ, पर उससे ज़्यादा मैंने देखा कि कितने बेहतर, कितने बढ़िया इंसान हैं, कमिटेड प्लेयर्स हैं, पूरी ट्रेनिंग में एफर्ट लगाते हैं, जिम करते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ है। तो हमने भी वही कोशिश करी सीखने की। आप अपना बताएं आप। हाँ और जो नए नए लड़कों का बिहेवियर है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो देखो, मैं तो 2006 में रिटायरमेंट ले ली थी मैंने, उसके बाद मैंने विराट कोहली के साथ आरसीबी में 2 साल बिताए थे, 2011-12 में मैं था आईपीएल में। तो विराट कोहली को थोड़ा देखा मैंने ट्रेनिंग करते हुए साथ में उनको मैंने, तो वो मुझे उनका जो वहां से जो सफर था क्रिकेट का, और आप जहां वो खड़े हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि उनको अगर आप सचिन से कंपेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब उस बंदे में बहुत क्लास है। मैं उनको नहीं, उनकी तारीफ करता क्लास हूँ। तो नो डाउट है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बट मैं यंग लड़कों की बात कर रहा हूँ, विराट मैं आ रहा कोहली हूँ, तो मैं वहां आ 31 साल रहा का हो गया है। हूँ भाई, मैं वहां आ रहा हूँ। मैं देखिए पहले मैं अच्छाई से स्टार्ट करूंगा फिर अच्छा, मतलब थोड़ी जैसे सी आप टीवी में बोलते हैं वैसे। हाँ, पहले पहले विराट कोहली की बात कर लूं, क्योंकि
मेरे नजर में सचिन से बड़ा प्लेयर ना कोई था और ना होगा, ऐसा मेरा मानना था। पर अब विराट को लोग, विराट देखिए अभी अभी 8-9 साल अभी और खेलेंगे, अभी सचिन के अभी उन्होंने आधा ही करियर अभी तय किया है, पर जो उनको लोग कंपेयर करते हैं सचिन से, तो मेरे ख्याल से विराट कोहली को बहुत श्रेय जाता है, जो उनकी मेहनत थी खुद की, जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट थी, लोगों को वो हमेशा रोल मॉडल की तरह खेले और मैच विनर रहे, तो वो एक बड़े प्लेयर हैं। बाकी साथ में देखिए आप जो, उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर खराब भी हुए, ऐसी बात नहीं है, बहुत से नए प्लेयर आते हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो उनके पास बढ़िया फोन आ जाते हैं, उनके पास बढ़िया मैनेजर वो हायर कर लेते हैं, चाहे वो इंडिया ना भी खेले हो, आईपीएल में भी आ गए, तो उनके पास डिस्ट्रैक्शंस काफी हो बढ़िया जाते हैं। मैनेजर, बढ़िया मैनेजर हायर करने से तो बढ़िया बिहेवियर होना चाहिए ना। बढ़िया मैनेजर हायर करने से बिहेवियर अलग कैसे हो सकता है, समझ रहे इन मेरी द बात? सेंस कि अच्छे डील डील मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैं ये बोल रहा था, तो उसमें क्या डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, आपके जो जो एक एक फोकस जहां करते हैं कि खेल में, प्रैक्टिस में, मैच में, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है। तो मेरा ये है कि क्रिकेट ने देखिए आईपीएल जब से आई तब से क्रिकेट बहुत चेंज हो गई, मेरे मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। और उसी हिसाब से जैसे अब आईपीएल ने, मेरा तो जब मैंने पहली बार देखा कि यार मोहम्मद कैफ ऑक्शन में बिक रहे हैं, तो मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया कि मैं ऐसा जमाना देखूंगा जहां प्लेयर की बोली लग रही है कि भाई ये जमाना आ गया कि पैसे में प्लेयर तोले जा रहे हैं और फिर खरीदे जा रहे हैं, फिर टीम बन रही है, फिर वो खेल रहे हैं। तो मैं तो 2008 से मैंने वो क्रिकेट तो पूरी चेंज हो गई थी, पहले जो क्रिकेट थी वो कोई कनेक्शन उससे बनता नहीं है। हाँ, पर देखिए भाई साहब, आईपीएल के आने से कितने फायदा प्लेयरों को फायदा हुआ है। आईपीएल के हुआ आने बिल्कुल, से बहुत फायदा हुआ है, जो प्लेयर अपनी नो कंट्री डाउट। के लिए नहीं खेलते उनको एक करियर मिला है, ठीक है। जो जूनियर प्लेयर हैं, हमारे टाइम पर आईपीएल थी नहीं, सीधा ना हम सचिन तेंदुलकर गांगुली के साथ खेल रहे थे। तो आईपीएल में आने से जब वो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलते हैं, उनको इंटरनेशनल सिनारियो मिलता है, तो वो कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं जब वो इंटरनेशनल का मैच खेलने जाते हैं। और उनको मतलब इतने सारे प्लेयर है अराउंड द वर्ल्ड जो अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलते, लेकिन आईपीएल में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो उससे वो अपने घर चला सकते हैं, उनको एक करियर मिलता है। तो कितने ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्रिकेट से अपना घर चलाने की। अभी T20 की कितनी लीग हो गई है, T10 की लीग हो गई है। तो आई थिंक बहुत जो जो प्लेयर्स जो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और उनको कुछ भी पैसे नहीं मिलते थे, आज वो प्लेयर अच्छे से अपना घर चला सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, एक अच्छा घर ले सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो आईपीएल ने बहुत सी अच्छी चीजें भी की हैं, वी शुड बिल्कुल। नॉट निग्लेक्ट दैट। नहीं पर में देखो, मुझे तो कभी 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए नहीं मिले, पर आपको मिले, आपको 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 लोगों ने फ्रेंचाइज ने खरीदा, पैसे दिए, तो ये एक सवाल मुझे पूछा था कि ये जो 12-15-16 करोड़ में जो प्लेयर बिकते हैं, तो क्या इसका इफेक्ट होता है मेंटली कि इतने पैसे मुझे मिले हैं, मैं जब मैच खेलने जा रहा हूँ, तो क्या उसका जो खेलने का तरीका है उसमें बदलाव आता है या प्रेशर फील करता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि बदलाव आता है, लेकिन प्रेशर जरूर फील करता है, बिकॉज लाइफ की एक पॉलिसी है कि जब आप ऊपर सक्सेस की लैडर पे चढ़ते हैं, तो 10 लोग आपको नीचे खेलते हैं, खींचते हैं। तो किसी को नहीं अच्छा लगता कि जब आपको इतने पैसे मिल रहे हो, हालांकि उतने ही पैसे और प्लेयरों को भी मिल रहे होते हैं जो जिनका नहीं नाम आता बाहर। बट पॉइंट ये है कि प्रेशर इसलिए आ जाता है बिकॉज जब भी आप आउट होते हैं या जब भी आप परफॉर्म नहीं करते, तो आपके बारे में ये बोला जाता है कि यार इस प्लेयर को इतने पैसे मिल रहे हैं, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, रादर देन के ये प्लेयर आज परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज इसने खराब शॉट मारी। तो वो पैसा उसके साथ जुड़ जाता है। सो आई थिंक बिकॉज हमारी कंट्री में नेगेटिव न्यूज ज्यादा चलती है, तो इस कर आई मीन वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में चलती है, तो आई थिंक वो चीजें फिर आपको इफेक्ट करने लग जाती है। तो आई थिंक 2010-11 के बाद तो मैंने जितना आप जब आप इंटरनेशनल स्पोर्ट में हो, जितना आप टीवी और न्यूज़पेपर से दूर रहो उतना बेटर है आपके करियर के लिए, आई फील।
एडवाइस टू द यंग गाइस। नहीं, मैं खेत के साथ बोल रहा हूँ कि वो एडवाइस, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तीन तीन चार चार फोन हाथ में होते हैं, इतना आसान नहीं है कि उसको आप न्यूज को निगलेक्ट करते हैं, मुश्किल काम है। पर जी यस, बिल्कुल, जो जब जब हमने खेला, मैं याद है सचिन तेंदुलकर साहब वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, जो मेरा मेरा अपनी जानकारी, आप भी बहुत खेले उनके साथ, काफी क्लोज आप उनके साथ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर साहब न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ते थे मैच के टाइम पे, कि क्या लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, क्या उनसे एक्सपेक्टेशन है। उनको अपना रोल पता होता था कि भाई मैं जा रहा हूँ भारत के लिए खेलने, और मुझे पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं अपना बेस्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरा ऐसा जो जो जब मैंने उनके साथ क्रिकेट खेली, बहुत से प्लेयर्स थे जो न्यूज़पेपर पे इतना ध्यान देते भी नहीं थे, अवॉइड करते थे। सौरव गांगुली उनमें से एक नहीं थे, सौरव गांगुली को वो कैप्टन थे सौरव गांगुली कैप्टन थे, उनको दादा थोड़ा सुन तो नहीं रहे हो क्या आप बोल रहे हो अपने बारे दादा में? दादा को पता चल जाएगा, चाहे सुनना भी दादा रहे हो को पता बालू चल बाच्ची जाएगा। और बीसीसीआई प्रेसिडेंट है इस वक्त दे भाई साहब, आपको काम नहीं कर रहा है आगे। पर दादा, देखिए मैं पूरी बात खत्म करने दो, मुझे मैं ये बोलना चाह रहा था कि अच्छा, दादा कॉम्पनसेट करेंगे अभी आप। दादा हाँ को जानकारी रखना आवश्यक इसलिए था कि वो कैप्टन थे, तो जी वो क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उनको वो कप्तानी में वो चीज इस्तेमाल करते थे। और हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, बस मुझे ये भाई एक चीज साहब और खुशी, थोड़ा। लॉर्ड्स की इनिंग के बाद, युवराज सिंह लॉर्ड्स की इनिंग के बाद कुछ हमारे सीनियर्स भी थे, जो हम लोगों को लगता था कि यार ये नए लड़के आए हैं, ये तो डांस नाच गाना करते हैं, गाने हल्ले मारते हैं, ये उस इनिंग के बाद थोड़ा उनसे भी रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो गई थी, ये मानो चाहे ना मानो। नहीं सही पहले बात है, अगर जब नहीं, आपने आपने उस दिन रात को जीतने के बाद जो स्टेप किया था ना अंगूठे वाला, उससे काफी लोग इम्प्रेस हो गए थे। ये भाई साहब आपका पेटेंट स्टेप है ये, बेहतरीन। मैंने देखा थोड़ा बदलाव आते हैं, अगर आप मैच बिल्कुल जिता के लाते हैं तो फिर बिल्कुल सीनियर प्लेयर्स को भी लगता है कि ये जो नए घोड़े हैं वो काम आने वाले हैं लंबे लंबे समय के लिए। बिल्कुल। ये अच्छा मैं एक अभी सवाल है, आप एक बात और हाँ आपसे बोलो। पूछूंगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, दिल्ली से चली ट्रेन गोवा के लिए, अंडर 16 जोनल टूर्नामेंट था, मैं सेंट्रल जोन से आया था, आप नॉर्थ जोन से आए थे, उसमें सोडी भी था, हाँ आपका खास मेरा खास मेरा जिगरी टीममेट। मेरा जिगरी सोडी भाई, आई लव यू। तो वो ट्रेन दिल्ली से चली गोवा पहुंची 48 घंटे के बाद, तुमको एक बिस्तर मिल गया था ऊपर, वो स्लीपर बर्थ थी, तुमने वहां जो अपनी एक, तुम वहां लेट गए थे, और भाई जान मुझे याद है कि सबने पूछा यूवी कहाँ, यूवी कहाँ, सब लोग बोले यूवी पाजी ऊपर है, वो ऊपर है, तुम उस टाइम उतरे पे यूवी नहीं, पाजी कोई नहीं बोलता था यार, उस टाइम पे अंडर 16 पाजी खेलते पाजी पंजाबी में लोग थे। बोलते हैं, पाजी पाजी पंजाबी अच्छा भाई हाँ, बोलते हैं, यूवी उधर है। यूवी उधर है, यूवी उतरा नहीं, इसलिए तुमको मैं नवाब बोला आज, कि तुमने, तुम्हारा दोस्त बाहर गया, स्टेशन पे गाड़ी रुकी, वो समोसा लाया, वो चाय लाया, सर्व हुआ ऊपर, युवराज सिंह बढ़िया खा रहे हैं, उतरे नहीं तुम 48 घंटे तक, भाई साहब पहली बात तुम्हें याद नहीं होगा तो ऑर्डिनरी सीटर में अगर आपको सीट मिल जाए पहले तो वो छोड़नी नहीं चाहिए ताकि कोई और ले जाएगा। हाँ दूसरी बात, उसे भेजा मैंने, उसका समोसा और उसकी चाट की प्लेट और उसकी चाय वो मैंने अपने पैसों से स्पॉन्सर की थी, वो तभी लेने गया, वरना भाई नो चांस। आपने वैसे जब आप कैप्टन थे आपने रितिंदर सोढ़ी को बहुत बारी बॉलिंग नहीं कराई कई मैचों में, तो आपसे बहुत बारी अपसेट हो जाते थे। ये कंप्लेन तो तुमने भी करी थी, नहीं मुझे तो वो कराता नहीं था बॉलिंग, बट आपने उसे बॉलिंग नहीं कराई, ये आपने सही नहीं नहीं किया। तुमने भी मुझे कहा था उस 2000 जब वर्ल्ड कप जीते श्रीलंका में, पर बाय द वे वो पारी आपकी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दुनिया कोई भी बात बोले लॉर्ड्स की पारी, और भी आपने शतक बनाए, 6 छक्के भी मारे, पर वो जो पारी थी अंडर 19 लेवल पे, मैं अभी आपको आज बोल रहा हूँ, मैंने पहले कभी आपको इतनी तारीफ सामने करी नहीं है, पर मैं आज तारीफ करता हूँ आपकी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में माइकल क्लार्क,
मिचेल जॉनसन, शेन वॉटसन, सारे धुरंधर, और आपने, हम लोग शायद 40-50 पे चार हो गए थे, आपने वो पारी खेली और पहली बार देखा कि मैंने कोई प्लेयर जाके डोमिनेट कर रहा है। जहां होता है कि मैं होता तो मैं शायद टाइम लेता, पार्टनरशिप बिल्ड करता, बॉल छोड़ता, आपने जाते ही शॉट लगाई, वो फ्री, जो फ्री फ्लोइंग आपकी बैकलिफ्ट है, वो आपको उस वक्त लगा कि यार इसके पास बहुत पावर है, हाई बैकलिफ्ट के साथ शॉट लगा रहा है। वो पारी मेरे दिमाग में अभी भी भरी हुई है, और ऐसी पारी है कि बहुत सी पारी आपने खेली, वो पारी सबसे आगे रखता हूँ, क्योंकि वो अंडर-19 लेवल था, वहां आप ऐसे पारी, मैं तो यूज्ड टू नहीं था कि यार कोई जाके डोमिनेट करे, कोई 140-150 की स्पीड से बॉल डाल रहा है और आप उसको पुल मार के छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से मार रहे हैं। तो वो पहले मैं आपको तारीफ करूंगा वो पारी की, और आपके वजह से आप जैसे प्लेयर थे जो हम अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते। लोग मुझे बहुत क्रेडिट देते हैं, कप्तान मोहम्मद कैफ था पहला कप्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप का, बाद में विराट कोहली भी बने और भी पृथ्वी शॉ आए, बहुत से कप्तान थे, पर कप्तान का रोल ज्यादा नहीं होता। मुझे, मेरा मानना है कि कप्तान के पास अगर मैच विनर्स जैसे प्लेयर नहीं है तो कप्तान का कोई फायदा नहीं है। मैं लकी था कि आप जैसे प्लेयर मेरी टीम में थे। आप ट्रेन गोवा पहुंच चुके हैं, आप बताओ। शुक्रिया आपके अच्छे वर्ड्स के लिए। नहीं, वो अनबिलीवेबल पारी थी, यूई वो फ्लैम बॉय दिख रहा था कि ये प्लेयर बहुत लंबे जैसा घोड़ा है। मैंने बाहर, हाँ, लेकिन हम लोग 40 कुछ जल्दी 4-5 आउट नहीं हुए थे हम लोग। हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था और हमारा 45 ओवर्स के बाद स्कोर था 220 for 2, और तुमने मुझे ऊपर भेजा था बैटिंग करने, और वो बेवकूफ रवनीत रिकी, उसने 148 बॉलों में, तभी हमारा स्कोर 45 ओवर में 220। वो तो लकीली लास्ट 5 ओवरों में मेरे 20 बॉल में 50 मेरे से लग गए, तो हमारा स्कोर 282 हो गया, वरना रवनीत रिकी ने तो बिस्तर बिछा लिया था अपना वहां पर। आज तक वो मुझसे गाली खाता है इस बात पे, कोई बात नहीं। लेकिन सोडी को आपने बॉलिंग नहीं कराई ना, वो आपने काम सही नहीं किया यार। फाइनल, एक फाइनल मैच में यूई, एक गेंदबाज का जो एनालिसिस थी वो 10 ओवर 31 रन 1 विकेट, कौन था वो? फाइनल कौन सा? अंडर-19 फाइनल अगेंस्ट श्रीलंका, 10 ओवर 31 रन 1 विकेट। ये तो जिंदे सोडी के एनालिसिस लग रहे भाई, तुम्हारे सामने जो बैठा है मोहम्मद कैफ के। ओ भाई साहब, 10 ओवर डाल दिए भाई साहब, आपकी एल्बो थोड़ा चक करती थी ना, तो पता नहीं आपको हम पहले जब तक नहीं पकड़ा। वो 15 डिग्री का रूल आया तब तक मैं हट चुका था, बॉलिंग छोड़ दी थी मैंने। ओ अच्छा, लेकिन आपने मेरे को अंडर-19 वर्ल्ड कप के जो पहला साल था जब जिंदर सोडी कैप्टन था, तो आपने वो मुझे बॉलिंग, मुझे याद है श्रीलंका के साथ मैच फंसा हुआ था और सोडी मुझे बॉलिंग नहीं करा रहा था, तो आपने मुझे बोला, आपने उसे बोला कि युवराज को बॉलिंग करा के देखो, तो उसने मुझे बॉलिंग दी और मैंने उस ओवर में खुशी में जो थर्ड मैच था उसमें मुझे बॉलिंग नहीं मिली। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जिस बंदे ने 2 बॉल पे 2 आउट कर दिया और मैच चेंज कर दिया हो, उसे अगले मैच में बॉलिंग मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगले मैच में बॉलिंग मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल से 7-8 ओवर मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग करी, बॉलिंग में तुम्हारे पास काबिलियत थी, जब तुम जो तुम्हारा जो स्लिंगी ऐसे साइड से बॉल करने का तरीका था और एक्शन इतना, बॉल पूरा तुमने एक्शन घुमा लिया और बॉल अभी भी हवा में है, तो बल्लेबाज क्या पेस से बीट होता था। बहुत बार तुमने आउट किया है लोगों को, और एक बार चैलेंजर ट्रॉफी थी उसमें मोहम्मद कैफ ने भी आपको आउट किया है। हाँ, आपने भी भाई साहब कर दिया होगा आउटों में क्योंकि आपकी बॉल भी कुछ ऐसी आती थी स्लो, आम पहले और बॉल बाद में। चलो बिल्कुल, और ये मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जाने से पहले, कि कोरोना वायरस के टाइम में आपका लोगों को क्या मैसेज है?
मैं अगर अपना रूटीन बताऊं यूवी, तो तुम शायद बिलीव नहीं करोगे कि जब से ये वायरस इंडिया में आया, आपको याद होगा हम 1 महीने पहले मुंबई में थे और हम साथ में मैचेस खेल रहे थे रोड सेफ्टी का, तभी वहां से एक केस महाराष्ट्र में आया था कि कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है और वो टूर्नामेंट पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद से मैं दिल्ली आया हूँ, मैं घर से युवराज सिंह बाहर नहीं निकला हूँ। मैं अगर मैक्स मैक्स तो नीचे गया, थोड़ा सा मैं सामान जो रोजमर्रा का सामान जो होता है वो अगर पिक कर लिया, स्टोर से बंदा डिलीवर करता है, नीचे छोड़ता है, फोन आता है कि सामान नीचे नीचे डाल दिया है बस, और सारे टाइम फैमिली के साथ। सारे काम मतलब मेरी बीवी ये देख रही होगी तो मुझे बताएगी, सारे काम नहीं, हाँ मतलब मैंने हाथ हाथ बटा रहा हूँ जो भी मुझसे हो पा रहा है, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, चाहे वो बच्चों के साथ बिजी रहना हो, चाहे बेटी को बिजी रखना हो, बेटे को साथ थोड़ा तो टाइम स्पेंड करना हो। और मुझे टाइम पता नहीं चला भाई, कब सुबह होती कब शाम होती पता नहीं चल रहा मुझे। मतलब मैं आपको लग रहा हूँ कि मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर के बाहर जाना मिस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है। आई थिंक लोगों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि अपना रूटीन बनाए इस टाइम पर, बिकॉज बहुत सी फैमिलीज है, मैंने पहले भी बोला है कि हमारे पास तो चलो फॉर्चुनेटली एक दो फ्लोर है, लेकिन बहुत सी फैमिलीज है जिनके पास एक कमरा हो, एक बाथरूम हो, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही होगी। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि वो लोगों को मैसेज देना कि घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और इस टाइम 3 मई तक का जो टाइम है उस तक में किसी भी तरह कोई रूटीन बनाए जिसमें एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, गर्म चीजें ज्यादा पिएं, और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। बिकॉज अपने आप को तंदुरुस्त रखना इस टाइम पे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स जो एल्डरली लोग हैं और 5 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं,